हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम दूसरा एक मंदिर दिखाएंगे, हरे कृष्णा मंदिर, जो कि इस्कन टेम्पल से भी जाना जाता है, गुवाहाटी के अंदर में ही है। हरे कृष्णा मंदिर गुवाहाटी वन ऑफ द प्योरेस्ट एंड न्यूएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ होलनेस, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द माइटी ब्रह्मपुत्र एंड अवे फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ ऑफ गुवाहाटी। द टेम्पल प्रेजेंट्स परफेक्ट ambience to chant Hare Krishna and meditate the essence of Supreme Lord. Hare Krishna movement always view life as a fountain of peace and wisdom. So to experience peace and extract wisdom, it is essential to tune our life to put in spiritual parlance. The Hare Krishna movement plays the role of tuner, which tunes us onto the path of spiritually to experience the supreme bliss. चलिए नॉर्थ गुवाहाटी में जो यह हरे कृष्णा मंदिर है, इस्कन टेम्पल है, इसको हम आज विजिट करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और आज जो है ब्रह्माष्टमी के टाइम पे हम लोग यहाँ आए हैं, तो हमको थोड़ा बहुत कुछ तो आज एक्सेप्शनल दिखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, आखिरी तक आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हरे कृष्ण मंदिर नॉर्थ गुवाहाटी में, हम आप लोगों को लेके आए हैं। चलिए हम अंदर करेंगे और ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अंदर मेन गेट से अंतर करते ही आपको यहाँ सिक्योरिटी गेट मिलेगा और यहाँ पार्किंग का भी व्यवस्था है, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग कर सकते हो। अंतर करने से पहले ही आपको यहाँ आप फ्रेश हो सकते हो, फैसिलिटीज़ रखे हुए हैं। और ये जो टेम्पल है अक्षय पत्र फाउंडेशन एडमिनिस्टर करते हैं। आने से मन एकदम प्रफुल्ल हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हजारों डिवोटीज आते हैं, संडे के दिन और ही ज़्यादा लोग आते हैं। आप लोग अगर आते हो मोटरसाइकिल लेके, आप लोगों का हेलमेट रखने का भी यहाँ व्यवस्था रखे हुए हैं। उसके बाद वी हैव टू कीप आवर फुटवेयर, फैसिलिटीज टू कीप योर फुटवेयर आउटसाइड। So the systematic process is really encouraging. यहाँ जो फुटवेयर स्टैंड रखे हैं, यहाँ आप लोग रख सकते हो, बट ये फ्री में नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ से अंतर करेंगे। ये जो हरे कृष्णा मंदिर है, इसको इस्कन टेम्पल नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं भी हो सकता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। इसका एक्चुअली एक फुल फॉर्म है जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल। कृष्ण मंदिर जन्माष्टमी महोत्सव आज चल रहा है। एज पर विकिपीडिया, इट्स core beliefs are based on Hindu scriptures, particularly the Bhagavad Gita and the Bhagavad Purana. ISKCON is the largest and arguably most important branch of Gaudiya Vaishnava tradition, which has had adherents in India since the early 16th century and American and European devotees since the early 1900s. ISKCON was formed to spread the practice of Bhakti Yoga, the practice of love of God, in which those involved dedicate their thoughts and actions towards pleasing Krishna, whom they consider the Supreme Lord. Its most rapid expansion in membership have been within India and in Russia and other formerly Soviet-aligned states of Eastern Europe. ISKCON claims to have around 1 million congregational members worldwide. अक्षय पत्र फाउंडेशन जो है, वो लोग ये मंदिर को एडमिनिस्टर करते हैं और उन लोगों का श्रीला प्रभुपदा गुरुकुल स्कूल भी है ये सेंटर के अंदर में नॉर्थ गुवाहाटी में, जहाँ 7,500 दे के साल का बच्चों को यहाँ रख सकते हैं। खाना पीना रहना सब कुछ मिल जाता है। This is you can see the administration of this temple. दूसरा साइड में अक्षय पात्र जो है उनका ऑफिसेस है। यहाँ से एक्जिट करने के बाद अक्षय पात्र फाउंडेशन का ऑफिस मिलेगा उस साइड में। फर्स्ट हाफ में 1 बजे यहाँ का दर्शन बंद हो जाता है, गेट बंद कर देते हैं और इवनिंग 4:15 को फिर से स्टार्ट हो जाता है। हरे कृष्ण मंदिर का स्पिरिचुअल मल्टीपल एक्टिविटीज चलाने के लिए 1966 में न्यूयॉर्क में ये ISKCON टेम्पल जो बोलते हैं द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए हम अभी मंदिर तो दर्शन हो गया है, अभी हम भोजन करेंगे नीचे जाके, मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। अक्षय पत्र फाउंडेशन जो है गुवाहाटी सेंटर का ये ऑफिस है। तो चलिए आज हम यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। Take care of yourself. Bye-bye.